हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों से एक सवाल मेरे मन में जो चल रहा था कि क्यों ना आपको डी लुकअप फंक्शन के बारे में बताया जाए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काफ़ी यूज़ होता है। और शुरुआत इसकी बड़े छोटे लेवल से मैं करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डी लुकअप का यूज़ ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में होता है, लेकिन ये जो पार्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हम बिना किसी प्रोग्रामिंग के बनाएंगे डी लुकअप। ठीक है, डी लुकअप का यूज करेंगे। बात करें वी लुकअप की, तो एक्सेल में वी लुकअप यूज होता है, एच लुकअप यूज होता है, लुकअप फंक्शन यूज होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे डी लुकअप की। तो आइए देखते हैं कि डी लुकअप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लीजिए। यहां ओपन कर लिया, अब यहां से चले जाते हैं हम व्यू पर। आ गए व्यू पर, इस टेबल को मैं नाम दे देता हूं कस्टमर टी। तो ये कस्टमर टी हमने नाम दे दिया इसे। अब यहां पर आ रही है आईडी, आप चाहे तो इसे आईडी ही रहने दे सकते हैं, चलिए इसको आईडी ही रहने देते हैं। और यहां पर स्टूडेंट का आ जाएगा फर्स्ट नेम, मैं यहां पे स्टूडेंट का ही डेटा पिकअप कर रहा हूं, और फर्स्ट नेम टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, और यहां पर आ जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, और यहां नेम छूट गया है, तो नेम, और यहां पर हम करेंगे लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेने के बाद हमें क्या करना है, यहां से व्यू पे क्लिक करना है और इसको यस कर देना है। तो यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है, देख सकते हैं आप। यहां पर मैं क्या करता हूं, राम सिंह, तो राम हो गया फर्स्ट नेम, सिंह हो गया लास्ट नेम, राम तिवारी, राम हो गया फर्स्ट नेम और तिवारी हो गया लास्ट नेम। इसी तरह से जावेद आलम, ठीक है, इसी तरह से पूजा सिंह, ईशा यादव, ये कुछ नाम हमने यहां पे लिख दिया है, कुछ स्टूडेंट का नाम लिख दिया है, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। ये सेव कर लिया हमने, अब हमको कहां चलना है, क्रिएट पे चलना है। क्रिएट पे आ गए, अब क्वेरी डिजाइन पे आना है। ध्यान रखें कि हमने आईडी लिया है, फर्स्ट नेम लिया है और लास्ट नेम लिया है, यही तीन चीजें हमने ली हुई है। अब मैं आपको दो तरह की, पहले मैं क्वेरी बना के दिखाता हूं कैसे इसकी हम क्वेरी बनाएंगे विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। तो ये हमने यहां से कस्टमर टी को ऐड करवा दिया, यहां ऐड करवाने के बाद इन सारे फील्ड्स को हम ले लेते हैं, ये सारे फील्ड्स को हम लेके आ गए। यहां पर हम क्या करेंगे, वो डी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। तो हम एक क्वेरी बना रहे हैं, चलिए यहां पर मैं क्यू लिख लेता हूं, Q यानी कि क्वेरी, या फिर क्यू आर वाई कर लेते हैं क्वेरी के लिए। ठीक है, तो ये हम क्वेरी बना रहे हैं, यहां पर हम डी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है डी लुकअप, तो चलिए लिख लेते हैं डी लुकअप। तो यहां लिखा डी लुकअप, तो डी लुकअप फंक्शन लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया हमने। इसके बाद अब यहां पर लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, चलिए इस बार हम लास्ट नेम ले लेते हैं। तो अगर आप लास्ट नेम लेना चाहते हैं तो इसमें डबल नोटेड कोट्स लगा दीजिए, फिर लिखिए लास्ट नेम। देखिए मैंने लास्ट और नेम के बीच में कोई गैप नहीं दिया है लिखते समय, यहां पे देख सकते हैं आप। तो यहां पे लिख लिया मैंने लास्ट नेम, डबल नोटेड कोट्स को क्लोज कर दिया, कॉमा दे दिया। हमारा टेबल किस नाम से है, कस्टमर टी नाम से है, तो ये लास्ट नेम कहां से पिक होगा, तो कस्टमर टी नाम का जो टेबल है वहीं से ये पिक होगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसको भी हमें डबल नोटेड कोट्स में रखना है, ये जो कस्टमर टी है ना, इसको भी डबल नोटेड कोट्स में रख लीजिए आप, रख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमा दे देते हैं। इसके बाद हम सर्च किसको करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जिसकी आईडी टू हो वो नेम यहां पे आ जाए, जिसकी आईडी टू हो वो नेम यहां पे आ जाए। तो इसको भी हम क्या रखेंगे, डबल नोटेड कोट्स में रखेंगे। तो यहां से इसको डबल नोटेड कोट्स में कर लेते हैं आईडी, और यहां पे टू जो है इसको भी डबल नोटेड कोट्स में हम यहां से क्लोज कर देंगे। ये करने के बाद यहां से स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद यहां से रन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही रन पे क्लिक किया तो यहां पर आईडी हमने कौन सी ली हुई है ये आप देख सकते हैं, यहां से मैं दिखा देता हूं। ये देखिए आईडी जो हमने ली है, इसको थोड़ा जूम व्यू पे लेके दिखा दे, हुई है वो दो ली हुई है, यानी कि जो दो वाली आईडी है उसका लास्ट नेम क्या है, तिवारी है। आइए देख लेते हैं है या नहीं, ये तो क्वेरी हमने बनाई हुई है। तो यहां देखिए जो आईडी है राम तिवारी है लास्ट नेम, ठीक है। अब थोड़ा इसमें चेंजिंग करते हैं, जो हमने क्वेरी बनाई इसमें थोड़ी